जय गुरुदेव। एक चम्मच दूध का प्रयोग आपकी कई सारी समस्याओं का निवारण कर सकता है, बहुत सारे दुखों का नाश कर सकता है। यह समझिए कि आपके जीवन में आने वाले संकट हो या सबसे बड़ी परेशानी हो, सभी का समाधान जो है वह एक चम्मच दूध का उपाय करने से खत्म हो जाती है। आपको यह दूध का प्रयोग जो है उसको किस समय करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि मेरी समस्या का समाधान होने लगा है, मेरे दुखों का निवारण जो है वह होने लगा है। तो ये उपाय किस दिन करना है, कितने दिन करना है, ये आपको अच्छे से समझना होगा, तभी यह उपाय आपको लाभ देगा। तो आइए जानते हैं कि हमें यह उपाय किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, रोज नहाते समय एक चम्मच कच्चा दूध लेना है। वह एक चम्मच दूध आपको बाल्टी भर लीजिए, नहाने की बाल्टी जो होती है वह भर लीजिए, उसके अंदर कच्चा दूध एक चम्मच भरकर आप उसमें डाल दीजिए, फिर आप उससे स्नान कीजिए। मगर ध्यान रखे कि पहले आप स्नान कर लीजिए साबुन लगाकर, उसके बाद में बाल्टी भरिए और उसके बाद में एक चम्मच डालिए। उसके बाद में यह उपाय करने के बाद आपको साबुन नहीं लगाना है, यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो कैसे करना है, आपको पहले नहा लेना है, फिर आपको अच्छी शुद्ध बाल्टी में पानी भरना है, एक चम्मच कच्चा दूध उसमें डाल दीजिए, उससे फिर आप नहाने का शुरू कर दीजिए। यह आप किसी भी दिन से उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपको लगातार एक सप्ताह यानी कि 7 दिन प्रयोग करना है। देखिए, दूध का प्रयोग उपाय करने से पहला तो हमारे जीवन में जो परेशानी होती है, कोई व्यक्ति ज्यादा टेंशन में रहता है, दुख में रहता है, उसे किसी ना किसी बात की, या फिर व्यापार से संबंधित हो, पैसों से संबंधित कोई ना कोई चिंता उसे बार बार सताती रहती है, जिसके कारण से वह चिंता में पूरे दिन रहते हैं, उसकी वजह से कोई अपना कार्य है वह भी पूरा नहीं कर पाते। दूसरा, हमारे शरीर में जितनी भी खराब ऊर्जा है, हम दिन भर कहीं ना कहीं घूमते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वह जो ऊर्जा जो रहती है, जो नेगेटिविटी ऊर्जा रहती है, वो हमारे शरीर में अवश्य होती है, तो वह भी आपकी दूर होने लगेगी। और आपका चंद्र जो है, चंद्र ग्रह जो है, वह आपका बलवान हो जाएगा, जिससे आपको पैसों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, आप कोई भी कार्य करने से पहले बहुत चिंतित हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर सा लगने लगता है, तो वह भी आपके भयमुक्त हो जाओगे। किसी भी चीज को, कोई भी कार्य करने से आपको कोई डर नहीं लगेगा और वह कार्य आपका सिद्ध होकर रहेगा। तो ये छोटा सा उपाय है, इसके अनेकों फायदे हैं और कारगर उपाय है। यह उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, हम जो भी उपाय बताते हैं उसे आप अच्छी तरह से करते हो तो वो अवश्य आपको लाभ देता है। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है इस चीज का, तो आपको भी अवश्य इसका फायदा होगा। उपाय, सारे के सारे उपाय वेदों की पुस्तकों में लिखे गए उपाय हैं, और यह उपाय से बहुत से पहले भी लोगों ने फायदे किए हैं और उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। तो यह उपाय जो हम बताते हैं उसे ध्यान से आपको सुनना चाहिए, या तो फिर नहीं समझ में दोबारा वीडियो सुनना चाहिए और वह उपाय करना चाहिए। यह उपाय 7 दिन तक कीजिए, आपको फायदा दिखने लगे तो आप प्रत्येक दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। यह हमारे जीवन के साथ साथ चलता है, और हमारा जो पूरा पूरा दिन है वह अच्छे से बीतता है, खुशमय बीतता है, सारे कार्यों में सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है, और जो कार्य करने का सोचते हैं वो कार्य पूरा होता है।